Hey guys, welcome back to my channel Innovative Cooking. आज मैं आपके साथ एक बहुत स्पेशल बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ. आई एम श्योर आप लोगों ने इसे कभी नहीं ट्राई किया होगा, कभी नहीं बनाया होगा, बट आई हैव ट्राइड इट फॉर मेनी टाइम्स. मैंने इसे काफ़ी बार बनाया है, तो आज मैं ये स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. और इन केस आप लोगों ने ये रेसिपी पहले बनाई है, पहले ट्राई करी है, पहले टेस्ट किया है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी आलू एंड छोले की बिरयानी की रेसिपी. तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं. तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम बिरयानी का जो चावल है वो तैयार करेंगे. मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स 3 ग्लास पानी लिया है. पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया है. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक, 2 तेज़पत्ते ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 3 से 4 लौंग है, 2 हरी इलायची है, और ये मैंने लिया है सिनेमन, और इसके साथ ही जीरा भी लिया है. इन सारी चीज़ों को मैं पानी में ऐड कर देती हूँ. 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर घी भी ऐड कर रही हूँ. घी ऐड करने से चावल बिल्कुल खिले खिले हुए बनेंगे. पानी यहाँ पर अच्छे से उबल गई है. अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल. तो यहाँ पर मैंने बासमती राइस लिया है. आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चावल लिया है. चावल को मैंने 15 मिनट पहले धोकर अच्छे से रख लिया था. इसका पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया था. तो इन चावल को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ. चावल को हमें सिर्फ 70-80% तक ही कुक करना है. हमें इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है. 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये चावल यहाँ पर 80% तक कुक हो गई है. गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ. चावल को मैं स्ट्रेन कर लूँगी, और ये जो चावल का पानी है हमें इन्हें फेंकना नहीं है, इन्हें वेस्ट नहीं करना है. हम इन्हें आगे जाकर अभी यूज़ करेंगे. चावल को मैंने स्ट्रेन कर लिया है. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ. बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल मोटे तले की कढ़ाई ली है, और इसमें मैंने 3 चम्मच तेल ऐड किया है. तेल को अच्छे से गरम कर लिया है. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पिंच ऑफ हल्दी पाउडर. इसमें ऐड करूँगी ये आलू. यहाँ पर मैंने 2 आलू लिया है. आलूओं को मैंने बिल्कुल अच्छे से पील कर लिया है, छील लिया है, और इसे बिल्कुल बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है. से 5 मिनट के बाद ये जो आलू है यहाँ पर अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है. तो इन्हें अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी. इसी तेल में अब मैं ऐड कर रही हूँ ये प्याज. यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिया है, जिसे मैंने बिल्कुल लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है. 1 चम्मच मैं यहाँ पर क्रश्ड जिंजर गार्लिक ऐड कर रही हूँ. आप इसकी जगह जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं. इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे. तीन से 4 मिनट के बाद ये जो प्याज है इसका कलर चेंज हो गया है. ये अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है. तो इसी टाइम पे अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टमाटर, जिसको मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है. 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ. 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर. 1 चम्मच मैं यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर यूज़ कर रही हूँ, धनिया पाउडर. इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे. प्याज, टमाटर और ये मसाले बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं. तो इस टाइम पे अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 बड़ा चम्मच दही. इसे भी हम अच्छे से स्टर कर लेंगे. यहाँ पर मसालों की साइड से ऑयल सेपरेट होने लगी है, आप देख सकते हैं. मसाले बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं. तो इस टाइम पे अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू, जो हमने फ्राई करके रखे थे. इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी. और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ये 1/2 कटोरी पानी, और ये वही पानी है जिसमें हमने चावल को बॉईल किया था. तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ. इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, और अभी हम इसे कवर करके कुक कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो आलू है वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए. पूरे 8 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसके लिए हटा लेती हूँ. आलू को एक बार हम अच्छे से चेक करेंगे. ये आलू जो है ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है. अब मैं इसमें ऐड करूँगी छोले. तो छोले को यहाँ पर मैंने कुकर में 3 सीटी लगाकर बॉईल कर लिया है, और छोले के साथ ही मैंने इसमें 1 प्याज भी ऐड किया था. तो छोले में मैंने 1 प्याज, नमक और हल्दी, ये तीनों चीज़ें मिलाकर 3 सीटी लगाकर बॉईल कर ली थी. अब मैं इसे इसमें ऐड कर देती हूँ.
इसे हम मिक्स कर लेंगे। ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आप यहाँ पर बिरयानी मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। नमक ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसे एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये चावल जिसे हमने 80% तक कुक करके रखा है। इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ, ये वही पानी है जिसमें हमने चावल को बॉईल किया था। 3 से 4 चम्मच दूध में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा केसर भिगो कर रखा था वो ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और अब मैं इसे कवर करके कुक कर लूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। पूरे 10 मिनट हो गए हैं तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे हम अभी 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे ताकि जो चावल है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं इसके लिड हटा लेती हूँ। बिरयानी में से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है एंड चावल आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले हैं एंड ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपकी है, बिल्कुल मॉइस्ट बिरयानी है, ये सूखी सूखी नहीं है। इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली एंड अपने नेबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।